इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, अभी अभी पश्चिम बंगाल में हुआ बड़ा ट्रेन हादसा, जिसमें ट्रेन के 12 डिब्बे अचानक से पटरी से उतर जाती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन के 12 डिब्बे कब उतरे किसी को कोई खबर नहीं लगी। आखिर इतनी बड़ी रेल दुर्घटना कैसे हुई, कहां पर हुई, किसकी लापरवाही से हुई है, क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के जख्म अभी तक पूरे भी नहीं हुए हैं और इधर बंगाल में एक और ट्रेन हादसा होने की खबर सामने आ जाती है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के बांकुड़ में भीषण रेल हादसा हुआ है और यह हादसा रविवार सुबह करीब 3 बजे की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 2 मालगाड़ी के आपस में टक्कर हो जाती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर जाती है। इस हादसे में मालगाड़ी के चालक को गंभीर चोटें आती हैं। सूत्रों की माने तो एक मालगाड़ी ओंडा स्टेशन से गुजर रही थी, तभी दूसरे मालगाड़ी पीछे से जोरदार टक्कर मार देती है, जिसके बाद करीब 12 डिब्बे बेपटरी हो जाते हैं। घटना के बाद सभी डिब्बे ताश की पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। हालांकि टक्कर की आवाज़ सुनते ही कई स्थानीय लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। हालांकि इस हादसे में किसी भी तरह की किसी की जान नहीं जाती है और न ही कोई जान माल का नुकसान होता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दोनों मालगाड़ी खाली थी, लेकिन हादसे का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। इस मामले में आला अधिकारी जाँच कर रहे हैं। हालाँकि इस घटना के वजह से आंध्र मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित हो चुकी हैं। इस हादसे के बाद रेलवे के अधिकारी जल्द से जल्द लाइन को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पुरुलिया एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनें इस डिवीजन से गुजर सके। तो दोस्तों, बार बार हो रहे इस तरह के दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ओडिशा के बालासोर में एक भीषण रेल हादसा हुआ था, जिसमें कई सारे यात्रियों की मौके पर मौत हो गई थी और कई यात्री घायल थे। इस दुर्घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।